गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं सब लोग। आज का जो पॉडकास्ट है बेसिकली वो या सो आज का जो पॉडकास्ट है वो बेसिकली एक क्वेश्चन पे है जो जीमेल पे जैसे कि आप लोग भेजते रहते हैं। तो जीमेल पे एक क्वेश्चन आया है, एक फीमेल सब्सक्राइबर है उनका। वैसे तो काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी कह सकते हैं सीरियस होते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं सीरियसनेस और अनसीरियसनेस क्वेश्चन को लेके कितनी है, वो आपके क्वेश्चन पूछने के तरीके से, जिस तरीके से आप बात करते हो, जिस तरीके के आप क्वेश्चन पूछते हो, उससे मुझे तुरंत समझ में आ जाता है कि आप किस लेवल पे सीरियस हैं उस क्वेश्चन को। एक आदमी पूछ रहा है मौत क्या है, दूसरा आदमी पूछ रहा है मौत क्या है, और तीसरा आदमी पूछ रहा है मौत क्या है। तीन लफ्ज़ हैं, तीन शब्द हैं, लेकिन तीनों शब्द को पूछने का जो अंदाज़ है, जो आदमी का चरित्र है, वो उस क्वेश्चन पूछने के, उस प्रश्न को करने के, उस प्रश्न का निवारण करते वक्त दिख जाता है। अ लॉट ऑफ पीपल आस्क क्वेश्चंस जस्ट बिकॉज दे हैव समथिंग टू एंटरटेन, दे आर नॉट सीरियस अबाउट द क्वेश्चन, इट्स नॉट बर्निंग इनसाइड देम। इफ द क्वेश्चन इज बर्निंग इनसाइड यू, अगर प्रश्न आपके अंदर एक अग्नि पैदा कर रहा है, एक ज्वाला पैदा कर रहा है, ज्वलंत है, तो वो ज्वाला दिख जाएगी उस प्रश्न को लेके। और अगर वो प्रश्न की ज्वाला ठंडी नहीं हुई तो आपकी करीबन और करीबन मौत की स्थिति हो जाएगी। जब एक क्वेश्चन आपको मौत के रास्ते पे ले जाए, मृत्यु करवा दे, तब समझ जाना कि उस दिन तुम्हें उस क्वेश्चन के आंसर की जरूरत है, उस प्रश्न के आंसर की जरूरत है। ठीक वैसे ही कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आज किसी ने पूछे हुए हैं, तो मैं उसका रिप्लाई कर रहा हूं। क्वेश्चन आया है एक फीमेल सब्सक्राइबर से, जिन्हें इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि मैं सीए कर रही हूं एंड आई फेल्ड दिस एग्जाम 5 times, पास्ड सम पेपर्स फ्यू मंथ्स अगो, आई एम स्टिल कंटिन्यूइंग विद दिस कोर्स, वट एवर रीजन ऑफ माई लोनलीनेस इज दैट आई हैव नो फ्रेंड, आई कैन टॉक और आई फील कनेक्टेड टू दैट पर्सन, आई नेवर मीट दैट पर्सन इन रियल, ओनली टॉकिंग ऑन कॉल्स एंड सॉ हिज फोटोज। आफ्टर एग्जाम ही कन्फेस्ड हिज फीलिंग्स दैट ही लाइक्स मी, ही यूज्ड टू ओवर शेयर अबाउट हिज लाइफ, दैट इरिटेटेड मी, आई रियली गेट ड्रेन्ड आफ्टर लिसनिंग टू हिम, वंस द कॉल स्टार्टेड ही यूज्ड टू कीप ऑन टॉकिंग एंड टॉकिंग, आई डोंट वॉन्ट टू लिसन टू हिम, इवन आफ्टर सीइंग हिज मैसेज आई फील ड्रेन्ड, इवन फॉर स्मॉल स्टफ लाइक a little argument with his brother he used to share with me, and I feel like I don't want to listen but I can't say this to him because he would feel bad. After my 2023 examination I told him that I don't love him and we are having caste issues so we cannot get back together, so I blocked him. But after blocking him I again got loneliness, एंड उस लोनलीनेस की वजह से मुझे पढ़ाई में दिक्कतें आ रही थी। उसके बाद 2 दिन पहले मैंने उसको फिर से अनब्लॉक कर दिया और मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ वापस रिलेशनशिप में आना चाहती हूँ, बिकॉज वी डिस्कस इन द पास्ट अलॉट अबाउट बींग ओनली फ्रेंड बट ही हैज़ नॉट अग्रींग ऑन दिस, ही सेट कि हम दोस्त नहीं रह सकते, हमें वापस रिलेशनशिप करना है तो हम आ सकते हैं। मैं आपके पॉडकास्ट को रोज सुनती हूँ बट लिसनिंग टू एनीवन इज नॉट अ क्योर ऑफ लोनलीनेस एज यू सेड, I saw all videos of SM, but it does not help. I am in a relationship just because I don't want to feel lonely, because loneliness affects my studies too. But talking and listening to this person even for 1 hour make me completely drained. मैं ऊब जाती हूँ इस आदमी से बात करने के बाद। तो यहाँ पे जो समस्या है वो समस्या इनकी ये है कि also she mentioned that he is a materialistic person with lot of desires, so even if I try to make him understand about spirituality or even I said that I am with you because I am lonely, he took it as love, so I am unable to even make him understand. I also sends him SM video aur wo SM ke video nahi dekhta aur bolta hai ki
एसएम के वीडियो जैसे वीडियोस मेरे को मत भेजा करो, प्लीज प्लीज मेक अ पॉडकास्ट ऑन द होल इशू एंड प्लीज लाइट मी अबाउट दिस। ओके, तो मोटा मोटा जो सिचुएशन ये है कि आउट ऑफ लोनलीनेस इन्होंने किसी से प्यार कर लिया और अकेलेपन की वजह से फिर उसको छोड़ दिया। उसके बाद दोबारा उसको, क्योंकि अकेलापन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता, इस वजह से इन्होंने वापस उस लड़के को अपना लिया और वो लड़के को दोस्त के लिए बोला, लेकिन दोस्त के लिए वो वापस मान नहीं रहा है ऑब्वियसली। और उसके बाद वो लड़का जो है वो ये कह रहा है कि मुझे रिलेशनशिप में वापस आना है, तो मैं रिलेशनशिप में वापस आ गई हूँ, पर मैं उससे बात करने के बाद बहुत ही ड्रेन्ड आउट फील करती हूँ, मुझे उससे बात करना पसंद नहीं, द वे ही यूज़ टू टॉक एंड ऑल दैट, नॉट द वे, वट एवर, शी जस्ट डोंट लाइक इट। मोटा मोटा ये है कि शी डजंट लाइक द पर्सन, बट शी इज़ विद द पर्सन बिकॉज ऑफ द लोनलीनेस। वॉट अ अमेजिंग समराइजेशन अबाउट द एंटायर ईमेल आई डिड। सी, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट, हाउ कैन आई बी सो इंटेलिजेंट, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम सॉरी। सो या, सो इन्होंने ये बोला है कि लड़का पसंद नहीं है, पर अकेलेपन की वजह से लड़के के साथ घूम रही हूँ, उससे बात कर रही हूँ। लड़का सीरियस हो गया है ऑब्वियसली, और मुझे वो लड़का पसंद नहीं है, पर मैं उससे लोनलीनेस की वजह, आप बताएं क्या करें। ये एक ऐसा मुद्दा है जो काफ़ी लड़कियां इसमें इस मुद्दे को करती हैं, जिसमें से मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि ना मैं आपके साइड रहूंगा ना मैं उसके साइड रहूंगा, आपके बॉयफ्रेंड के साइड में मैं न्यूट्रल होके इस सिचुएशन को देखूंगा। हो सकता है कुछ बातें मेरी बुरी लगे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूंगा, लेकिन बातें बुरी नहीं लगनी चाहिए। सबसे पहले तो आपने ये कहा कि मुझे लड़का पसंद नहीं है क्योंकि मेरी मजबूरी है, इस वजह से मैं लड़का मेरे टाइप का लड़का नहीं, पर सच्चा प्यार जरूर करता है। देखिए, चाहे कितना भी खराब लड़का हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, वो लड़का आपको कमिट कर रहा है, आपसे सच्चा प्यार कर रहा है, भले ही आपका वो टाइप नहीं है, अगर वो लड़का आपको पसंद नहीं है तो आपको पहली प्लेस पे उसको कमिटमेंट नहीं देनी चाहिए कभी भी, क्योंकि वो आपको आगे चल के गाली ही देने वाला है अगर आप उसको छोड़ोगे तो, ठीक है, और वो बेइज्जत करेगा, फिर आपको बेइज्जती जो है वो सह नहीं पाओगे आप, नंबर वन। क्यों? क्योंकि लड़के की जो सोच होती है, वो लड़के जो होते हैं वो बहुत ही ओवर लवेबल होते हैं, कुछ ज़्यादा ही चिपकू और प्यार करने वाले होते हैं, उनका अपना एक अलग एजेंडा होता है, उनकी अपनी एक अलग दुनिया होती है। तो पहली चीज़ तो कि अगर आपको ऐसा आदमी नहीं पसंद है जो ज़्यादा चिपकू हो, ज़्यादा बड़बड़ करे, आपकी बातें ही ना सुने, अच्छा लिसनर ना हो, तो सबसे पहली गलती आपकी इसमें यह है कि आपको कमिटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। आपने कमिटमेंट दी, फिर आपने दोबारा तोड़ दिया क्योंकि आपको वो बहुत ओवर शेयरिंग कर रहा था आपके साथ, उसके बाद आपने फिर से कमिटमेंट दे दी क्योंकि आपको जरूरत है। आपको यहां पे ये सोचना चाहिए कि हो सकता है कि, देखो, लड़कियों के सीन से अगर मैं बताऊं, लड़कियां प्यार को कबूलने में जो उनका इमोशनल साइड होता है उसका कंट्रोल बड़ा अच्छा होता है लड़कियों का, तो लड़कियां तुरंत भुला देंगी, लड़कियों को भुलाने में एक अच्छा, लड़कियां जो होती हैं वो जल्दी से भुला पाती, कंट्रोल कर ले जाती अपने इमोशंस को, क्योंकि बचपन से ही लड़कियां रो रही होती हैं, जरा जरा इस बात पर रो देती हैं, उनके लिए रोना एक बड़ी बात नहीं है, लड़कों के लिए रोना एक बहुत बड़ी बात है। अगर एक लड़का रो रहा है तो साल डेढ़ साल में एक बार रोता है, और रो आपके लिए रहा है वो, उसके बाद इसमें पे लिखा कि वो लड़का सुसाइड करने की धमकी दे रहा है, ठीक है। नंबर टू, आपने ये लिख दिया कि पता नहीं और भी चीज़ें लिखी जो उसने कहा कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, नहीं शादी नहीं कर पाऊंगा मैं उससे, किसी से और किसी से, ये सब फालतू बातें होती हैं, हर कोई शादी कर लेता है, कौन बिना शादी कर पा रहा है, हर आदमी को केक खाना है, ठीक है, ये सब फालतू की बातें होती हैं।
आपने कहा लड़का सिंपल से यहां पे है, लड़का आपके टाइप का नहीं है। सिंपल जो अगर मैं पूरा पूरा सारांश निकालूं, आपने ये बोल दिया लड़का आपके टाइप का नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, लड़का आपके टाइप का हो चाहे ना हो, आपने कमिटमेंट क्यों दे दी उसको? आपने उसको कमिटमेंट नहीं देनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। कमिटमेंट आपने दे दी, उसके बाद आपने तोड़ दिया और फिर आपने कमिटमेंट दे दी। कमिटमेंट आप दे ही क्यों रहे हो जब आप निभा नहीं पाओगे? तो यहां पे तो ये स्वार्थ खेल लिया ना आपने। आप जानते हो कि वो आदमी इतना पोजेसिव है, आप जानते हो वो आदमी चिपकू है, आप जानते हो वो आदमी सुसाइड की धमकी दे रहा है, उसके बाद दोबारा आपने उस आदमी को अपने अंदर बसा लिया, अपने अपनी जिंदगी में वापस डाल लिया। अब वो क्या आपको दोबारा छोड़ पाएगा? कुछ ना कुछ नुकसान करके जाएगा, या तो अपना नुकसान करेगा या बवाल करेगा, क्योंकि कुछ लोग साइको होते हैं, कुछ लोग तो मर्डर की धमकी दे देते हैं। मैंने तो ऐसे बहुत सारे केसेस देख रखे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका बॉयफ्रेंड बहुत एक्सट्रीम है। आपने बोला संदीप महेश्वरी के वीडियो जो है मैंने उसको भेजे, पर वो कह रहा मेरे को ये सब वीडियो मत भेजा करो, मेरे को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, और ये बात संदीप महेश्वरी को भी सुन लेनी चाहिए। संदीप महेश्वरी जो हैं, उन्होंने भी ये बात बहुत पहले बोली थी। उन्होंने कहा था कि अपने ऑफिस में मेरा नाम बता दियो, 100% मेरा फैन निकलेगा वो आदमी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेरा फैन निकलेगा। हर कोई संदीप महेश्वरी का फैन नहीं, और हर कोई संदीप महेश्वरी, मेरे पूरे खानदान में कोई संदीप महेश्वरी को नहीं सुनता है। मेरे पूरे खानदान में, हम लोग बहुत बड़े खानदान हैं, हमारा पापा का 5 भाई हैं, हमारी मदर के 2 भाई हैं, उनके 3-3, 4-4 सबके 2-2 बच्चे हैं, 2-2 बच्चों के भी 1 बच्चे हो गए छोटे छोटे। हमारे पूरे दूर दूर खानदान तक संदीप महेश्वरी को कोई नहीं सुनता, कृष्णमूर्ति को नहीं सुनता, ओशो को नहीं सुनता। आप कहां से क्या इमेजिन कर रहे हो? सबसे पहली चीज तो ये। आपको मैं एक बात बताता हूं, जब मेरी मदर मेरे घर आती हैं, या मेरे भाई मेरे घर आता है, कोई भी घर, मैं संदीप महेश्वरी वीडियो नहीं चलाता, क्योंकि वो लोग कहेंगे क्या उल्टा सीधा सुनते रहते हो, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे घर वाले कि यही सब सुन सुन के तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तो मैं चलाता ही नहीं हूं, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि कोई उनको कुछ बोले मेरे सामने। तो ये जो भ्रम है ना कि हर कोई संदीप को सुनता है, ये बहुत बड़ा घोंचू वाला भ्रम है। दूसरी चीज, हर किसी को संदीप महेश्वरी को नहीं भेजना है, ठीक है? सबसे पहली चीज तो आप ये ध्यान में रखिए। दूसरी चीज, ओशो, रजनीश, कृष्णमूर्ति, रामकृष्ण परमहंस, भगवत गीता, भगवत गीता में आप बात करो कि भगवान कृष्ण की बात करो, इस्कॉन टेंपल की बात करो, लेकिन अंदर के ज्ञान की बात मत करो। अंदर के ज्ञान की बात करो तो यह समझ के बात करो कि समस्त जीवों का जो भगवान है वो भगवान कृष्ण है, तब बात करो तो ठीक है। लेकिन अगर आपने यह बात कर ली कि जो रियल बात बोली है भगवत गीता में, अगर वो आपने बात कर दी तो कोई सुनना पसंद नहीं करता है। हर आदमी भगवत पाठ कर रहा है, लेकिन कोई आदमी एक श्लोक का मतलब नहीं समझा सकता। तो ये दुनिया पागल हो चुकी है, इस दुनिया को कुछ नहीं हो सकता। वो जो बात कही थी कलयुग चल रहा, यही चल रहा है, सही में कलयुग चल रहा है। आज से 50-60 साल पहले अगर आप देखें तो न्यूडिटी इतनी नहीं होती थी इंडिया में। आज इंस्टाग्राम पे अगर आप देखेंगे तो न्यूडिटी बढ़ती जा रही है। न्यूडिटी बढ़ेगा तो लस्ट बढ़ेगा, लस्ट बढ़ेगा तो उत्तेजना बढ़ेगी, उत्तेजना बढ़ेगा तो क्रोध बढ़ेगा, वो तो होना ही है। और फिर कहेंगे लोग रेप्स हो रहे हैं, तो वो भी एक कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। दूसरी चीज, आपने, अब आप कह रहे हो मैं क्या करूं, आपका जो सिचुएशन है कि आपने, आपको कोई बॉयफ्रेंड पसंद नहीं है पर आप आउट ऑफ लोनलीनेस के साथ रह रहे हो। सबसे पहली चीज तो, किसी भी इंसान को आप यूज मत करो अपने काम के लिए, क्योंकि कुत्ता अगर आप पाल लेते आउट ऑफ लोनलीनेस, आप एक कुत्ता पाल लेते, आपको कुत्ता इतना प्यार करता है जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन आउट ऑफ लोनलीनेस आपने एक इंसान को पाल लिया, अब वो आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि आपने उसका यूज कर लिया, अब वो छोड़ेगा नहीं। अब वो छोड़ेगा तो दिक्कतें होंगी। ऑल दो ये सब बातें होती हैं कि सुसाइड कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। आप जब भी ऐसा कुछ धमकियां आ रही हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है? कोई किसी ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब बहुत वर्स्ट ऑफ वर्स्ट केस सिनेरियो में कोई मरेगा आपके लिए।
मेरे जान पहचान में कई ऐसे लोग हैं जो मर चुके हैं लड़कियों के चक्कर में, बट ज्यादातर केसेस में कोई मरता नहीं है, ठीक है। तो आपने जो ये बात बोली ना कि आउट ऑफ लोनलीनेस आपने यूज किया, देखिए आपने एक और बात बोली थी कि आउट ऑफ लोनलीनेस मैं आपके पॉडकास्ट सुनती हूं और संदीप के पॉडकास्ट सुनती हूं। अब ध्यान से सुनिएगा, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं मिला। आपका पॉडकास्ट मैं रोज सुनती हूं, संदीप महेश्वरी को रोज सुनती हूं, आपके दोनों दोनों पागल आदमियों से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों पागल आपने बोल दिया, बिल्कुल बात सही है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहां जितने भी लोग सुन रहे हैं वो एज अ डिस्ट्रैक्शन पॉडकास्ट को सुनते हैं, उनको अच्छा लगता है कि दिन का एक घंटा जो है वो कहीं ना कहीं एक कंस्ट्रक्टिव काम में जा रहा है, जो कि एक तरीके से बहुत हेल्पफुल भी है अगर देखा जाए तो। आपका जो अटेंशन का जो फ्लो है वो इंस्टा की तरफ नहीं जाएगा, मेरे बातों के थ्रू सत्य की तरफ जाएगा, तो फ्लो आपका अच्छा रहेगा। लेकिन अटेंशन फ्लो जो है, यानी जो मोमेंटम है, वो अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ भी रहा है तो क्या उससे लोनलीनेस का कोई समाधान है या निष्कर्ष है? नहीं होगा। आपने एक बड़ी रोचक बात कही, आपने कहा आपके पॉडकास्ट सुनती हूं लोनलीनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, संदीप के पॉडकास्ट सुनती हूं लोनलीनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने बहुत रोचक बात कही है। यही चीज आप एक लड़के को अपनी जिंदगी में वापस लाके कर रहे हो। आप जैसे हमें यूज किया आपने पॉडकास्ट में, वैसे ही आप उसको यूज करो। मतलब अब लेकिन हमारे पॉडकास्ट सुनने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर लड़के को जब आप करोगे तो उसकी एनर्जी, उसका अटेंशन, वो सब बहुत कुछ इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो होगा। ये जितनी भी 15 से 23 साल के बीच की लड़कियां हैं, ये सिर्फ 2 से 3 साल की तक सोच के चलती हैं। अब वो लड़का आपसे शादी के वादे कर लेगा, जो कि मुझे 100% पता है। आपने क्या कहा कि मुझे तुमसे ही शादी करनी है? अब क्या बोला उसने? करेगा ही करेगा। आप लोग क्यों चक्कर पालते हो ऐसे लोगों के? इस दुनिया में ऐसा कोई लड़का नहीं है जो प्यार करने के बाद शादी के वादे ना करे। वो आपसे एक बार चिपका तो अब उसको शादी करके ही मानना है, और 150% चांसेस है आप उससे शादी नहीं करोगे। अब वो सफर करेगा, फिर वो कहेगा लड़कियां बेवकूफ होती हैं, लड़कियां झूठी होती हैं, लड़कियां मक्कार होती हैं। आप अपनी कौम की बेइज्जती करवा रहे हो, और यही होता चला आ रहा है। अपनी इमोशनल नीड्स के लिए आप किसी को यूज कर रहे हो। मैं ये भी मानता हूं कि वो भी आपको यूज कर रहा है, लेकिन वो तो आपको चाहता है, आपसे प्यार करता है, आपसे शादी करना चाहता है, आप नहीं चाहते हो। जब आपका वो टाइप ही नहीं था तो आपने क्यों उसको यूज कर लिया? मैं ये मानता हूं कि आपको कोई और अच्छा लड़का मिल सकता है, लेकिन एटलीस्ट आप यू नो ऐसे तो मत करो। ऐसे कई बार होता है, मैं कई कहानियां सुनता हूं कि यार भाई अभी वो 1 साल पहले उससे बात हो रही थी, बंद हो गई, और वो फिर से कॉल कर लिया उसने। अभी रिसेंटली मेरे साथ एक ऐसा, मेरे साथ नहीं, मेरे एक फ्रेंड है, हमारे बैंड का मेंबर है, वो 22 साल का है, उसके साथ वही केस हुआ कि एक बंदी है बिहार की, दिल्ली में आकर रहने लगी। जब तक वो दिल्ली में थी उसके साथ थी, बिहार चली गई तो उससे बात करना उसने कम कर दिया, फिर बंदी कर दिया, फिर दिल्ली आ गई फिर बात करने लगी, फिर बिहार चली गई फिर बात करना बंद कर दिया, फिर दिल्ली आ गई। तो वो कह रहा, भैया तुम क्या कर रही हो? आप लोग डिसीजन अपने इमोशंस के बेस पे लेते हो, लॉजिक के बेस पे क्यों नहीं लेते? आप लॉजिकली क्यों नहीं सोचते हो कोई चीज? आप एक बात बताओ, आपको प्यार चाहिए, आप कुत्ता पालो ना, आप इंसान को कुत्ता क्यों बना रहे हो? ये चीज जो है ये बड़ी खराब है, लड़कियां ये करती हैं, और इसकी वजह से आपकी जो कौम है, आपकी जो जेंडर है, उसके ऊपर उंगलियां उठती हैं, वो उठेंगी। ये जो आप केस बता रहे हो, ये केस सदियों से चलता चला आ रहा है, सदियों से चलता चला आ रहा है केस, पिछले 300 साल 400 साल से यही केस चलता चला आ रहा है, और इस केस का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। 400-500 साल हो गए। इनफैक्ट आप 70s 60s का गाना सुनोगे ना,
जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़े हम अपनी वफा पे ना। इल्जाम लेंगे तुम्हें दिल दिया है तुम्हें जान भी देंगे। ये कब से चला आ रहा है? आपको क्या लगता है गाना क्यों बना? क्योंकि ऐसी स्थितियां क्रिएट होती थी, ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हुई, उसकी वजह से एक आदमी ने उसको ऑब्जर्व किया और किसी ने लिख दिया, उसके ऊपर कंपोजिशन बन गई, गाना रिलीज हो गया। आपको क्या लगता है, क्या ये आपके समाज की प्रॉब्लम है? पिछले 20 साल की प्रॉब्लम है ये पिछले 500 साल की प्रॉब्लम है, ये 500 साल की प्रॉब्लम, हो सकता और पहले की प्रॉब्लम, कि आपको इमोशनली जरूरत पड़ी, आपने किसी को निमंत्रण दे दिया, उसके बाद वो आपसे इन्वॉल्व हो गया, तो आपने कहा आप मुझे तुमसे ट्रेन हो रहा है। आपकी गलती नहीं है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत हो सही हो, मैं बस आपको एक सिनेरियो बता रहा हूं कि ये होता आ रहा है। अब आपका डिसीजन है कि आपको क्या करना, आप लॉजिकली नहीं सोच रहे हो, आप इमोशनल बेस्ड डिसीजन लेते हो। क्यों? क्योंकि आपको लोनलीनेस। अब एक बात बताओ, जब आपको भगवत गीता हेल्प नहीं कर पा रही, जब आपको संदीप महेश्वरी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, जब मैं हेल्प नहीं कर पा रहा हूं, तो एक कल का लौंडा क्या आपको प्यार करेगा, क्या आपकी लोनलीनेस खत्म करेगा? लोनलीनेस कभी भी किसी इंसान से खत्म नहीं होती है, उसके ऊपर पर्दा पड़ता है सिर्फ, वो अंदर रहती है, ऐसा लगता है, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्टेड हो। हैविंग सेड दैट, मैं एक कहानी बताता हूं आपको। 2016 में मुझे एक लड़की से प्यार हुआ, वो हर वो चीज करती थी जैसा मैं चाहता था, ऑलमोस्ट 70% वो वैसी थी। जब उससे मेरा ब्रेकअप हुआ तो मेरे अंदर ये था कि यार ये लड़की वैसी नहीं है जैसा मैं चाहता हूं, इस वजह से मैं किसी, मतलब मुझे प्यार नहीं हुआ, इस वजह से मैं लोनली हूं। देखो क्या भ्रम बना, एक अच्छी लड़की आई, वो उस तरीके की नहीं थी जैसा मैं चाहता था, घूमते घामते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन वो वैसी नहीं थी जैसा मैं चाहता था, जो मेरा टाइप था, जो मेरा ड्रीम गर्ल, जो मेरे सपनों की रानी थी, वो नहीं आई थी। अब सुनना क्या हुआ, वो 50% सपनों की रानी थी, लेकिन बाकी 50% नहीं थी, लेकिन मैं उसके साथ था। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं लोनलीनेस थी, कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मैं उसके साथ था। लेकिन अब हुआ क्या, देखो ध्यान से सुनना, जब उससे ब्रेकअप हुआ तो मेरे अंदर एक गलत फहमी पैदा हुई, इसको माया बोलते हैं। वो गलत फहमी ये थी कि अब मुझे 100% सपनों की रानी चाहिए, अभी तक 50% थी, अब 100, तो एक ऐसी लड़की मिली जो एग्जैक्टली वैसी थी जैसा मैं चाहता था, मतलब ऐसा लगता था भगवान ने मेरे लिए मैनिफेस्ट कर दिए। वो हर वो चीज में ऐसी थी जो, अब मैं कुछ पर्सनल चीजें हैं वो भी नहीं बता सकता आपको कि किस तरीके की चीजें मुझे चाहिए थी, वो बहुत प्राइवेट हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली वैसी थी जैसे मैं चाहता था, एग्जैक्टली वैसे ही, ऐसा लगता था भगवान ने किसी मूर्ति को सजा वजा के उसमें लाइफ डाल दी है। सुंदर थी, सेक्सुअल थी, हर किसी को सेक्सुअल चाहिए, मैं अपनी बात क्यों कर रहा हूं, सब कुछ अच्छा था, ठीक है। शी वॉज अ ग्रेट किसर, शी यूज्ड टू टॉक 3 o'clock इन द मॉर्निंग जैसा मैं चाहता था, शी यूज्ड टू हग मी एंड स्लीप, एवरीथिंग आई वॉन्टेड, शी यूज्ड टू लिसन टू मी, आई लिसन टू हर, एवरीथिंग वॉज देयर। लेकिन जब ये मिली और ये मेरे को छोड़ के गई, तब मेरे को एहसास हुआ कि अब मुझे वो मिल गया है जो मुझे चाहिए था, अब मैं इस गलत फहमी से बाहर आ सकता हूं। तो आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आपको अभी तक वो मिला नहीं है जो आपको चाहिए, जब तक वो आपको नहीं मिलेगा तब तक आपको ये एहसास नहीं होगा कि भाई यहां भी कुछ नहीं है, क्योंकि 50% सपनों का राजकुमार आपको मिला तो आपको एहसास नहीं, आपको लगेगा एक और कोई अच्छा और बेटर हो जाता कोई, जिस तरीके से मैं चाहती हूं, वो जब आपको मिलेगा तब आपको एहसास होगा। तो पहली चीज तो आप
काम आपने सही किया, आपने जैसा कि मैं बोलता हूँ सबके साथ प्यार करो, अफेयर्स करो, रिलेशनशिप में जाओ, मैं बोलता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी आपने गलती कर दी भाई। जब आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप दोबारा उसको क्यों ला रहे हो अपनी जिंदगी में सिर्फ यूज करने के लिए। और यूज करना इसको बुरा मत मानना, मैं बस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर कोई यूज करता ही है, लेकिन कोई कमिटमेंट यूज करता है, कोई कोई शादी को सोच के यूज करता है, कोई 2-3 साल सोच के यूज करता है। आप 2-3 साल वाले हो, आपने बताया नहीं, मैं आपको आपकी बातें सुन के बता सकता हूं कि आप 15 से 23 के बीच में आते हो 100%। आप 21-22 साल की उम्र है आपकी, या 20 साल की उम्र होगी, ठीक है, आपने बताया नहीं, वो भी उसकी भी वही उम्र होगी, ठीक है, जो भी है, मैं आपसे बस इतना बोलना चाहता हूं कि एक आदमी आपसे रेसिप्रोकेट कर रहा है शादी के लिए, आप 2-3 साल सोच के चल रहे हो कि 2-3 साल अभी देखूंगी इसके साथ, फिर आगे किसी और से शादी कर लूंगी या नहीं करना है, जो भी है, फिर भी आपने टेम्परेरी सोचा, वो परमानेंट सोच के चल रहा है। तो आप ऐसे आदमी के साथ जब रहोगे तो ऑब्वियसली बहुत केओटिक सिचुएशंस क्रिएट होंगी। प्लस आपने कहा कि मुझे स्पिरिचुअलिटी पसंद है, वो मेरी बातें नहीं सुनता, तो भैया आपके इंटरेस्ट नहीं मैच हो रहे, आपके जो एसेंशियल इंटरेस्ट है वो मैच नहीं हो रहे, तो आप क्यों ऐसे रह रहे हो, आप तो मतलब आप यूज कर रहे हो एक तरीके से, आप मतलब आपको थोड़ा समझना चाहिए कि आप कुत्ता पाल लो, उसके कोई रिपरकशन नहीं है, आप जब चाहो हक करो, जब चाहो उसको प्यार करो, जब चाहो उसको हटाओ, ठीक है, जब चाहो उसको हटा दो, जब चाहे उसको प्यार कर लो, लेकिन मैं आपसे सिंपल कहना चाहता हूं, ये सब चक्कर में पड़ोगे आप, फिर वापस किसी आदमी से गाली खाओगे, आप बहुत सारे सिचुएशन में फंस जाओगे। मैं आपसे सिंपल से कहना चाहता हूं कि अगर आपको लोनलीनेस हो रही है तो इस गलत आइडेंटिफिकेशन से हो रही है कि मैं अकेला हूं या अकेली हूं, और आपको जो अकेलापन लग रहा है ना, वो इस वजह से लग रहा है क्योंकि आपके अंदर एक गलत आइडेंटिफिकेशन है, वो ये है कि मैं 4 कमरे में बैठा हुआ एक मनुष्य हूं जो अकेले हूं, और बाहर जो कुछ भी चल रहा है वो मेरे से सेपरेट है। जिस दिन आपके अंदर ये एहसास घुस गया ना कि मैं ही इस पूरे ब्रह्मांड का सत्य हूं, लेकिन वो समझ नहीं आएगा, ये बहुत हाईली इंटेलिजेंट आदमी के लिए, तभी आपको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आपके अंदर अभी वो पड़े हुए हैं, फितूर पड़े हुए हैं, इसको गलत फहमियां बोलते हैं, इसको माया बोलते हैं। वो फितूर क्या है, मुझे एक पार्टनर चाहिए, ऐसा सपनों का राजकुमार आपने सोच लिया है, 100% आपका टाइप आपको पता होगा, आपको वो मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा, कई लोग तो यहीं पे आकर रुक भी जाते हैं, उनको उसके आगे कुछ नहीं चाहिए, हो सकता आप उस तरीके के हो सकता है कि आपको एक अच्छा पार्टनर मिल जाए तो आप सेटिस्फाइड हो जाओ, ठीक है। मेरे साथ ऐसा नहीं था, मैं अपना अपनी पर्सनैलिटी जानता हूं, अपना व्यक्तित्व जानता हूं, अपना करेक्टर जानता हूं कि मैं कैसा हूं। पहले आपको यह नहीं जानना है कि दुनिया कैसी है, बाहर क्या है, आपको यह देखना है मैं कैसा हूं, अंदर क्या है, क्या चाहिए मुझे, मेरे अंदर क्या गलत फहमियां हैं, क्या चाहिए मुझे, उसको लिखो एक किताब में कि मुझे ऐसा ये पार्टनर चाहिए, अगर मुझे मिलेगा तो ही मैं करूंगी, नहीं तो मैं अकेले ही सही हूं। आपकी लोनलीनेस इतनी ज्यादा सवार हो चुकी है आपके ऊपर कि आपने एक रॉन्ग कमिटमेंट में फंस गए हो आप, और वो रॉन्ग कमिटमेंट आपने कर दी, ये तो ऐसे हो गया कि आपने बोला कि मैं एक कंपनी आपने ज्वाइन करी, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, 1 साल तक आपको कंपनी नहीं छोड़नी, आपने कंपनी छोड़ दिया, कंपनी आपके ऊपर 2 लाख रुपए का केस कर देगी। तो वही चीज है, आप कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन कर रहे हो, आप कमिटमेंट क्यों कर रहे हो, आपको क्या लगता है वो लड़का आपके पास रहेगा तो और प्यार करने लगेगा और अटैच हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि आप धीरे धीरे उसको फेड आउट करो, धीरे धीरे उसको अवॉइड करना चालू करो, फिर 1-2 हफ्ते में आप प्लान पूरा बनाओ, 1-2 हफ्ते में उससे बोल दो, देखो यार तुम एक अच्छे लड़के हो, सब कुछ सही है, और इसमें मैं पूरी गलती अपनी कबूल नहीं हूं, ठीक है, मेरी भी इसमें गलती है, तुम्हें जो करना है कर लो, तुम्हें अगर 2-3 गाली भी बकनी है तो गाली बक लेना, ठीक है, लेकिन मैं, मेरे इंटरेस्ट से तुम्हारे इंटरेस्ट नहीं मैच करते हैं, तुम बहुत अच्छी लड़की और कोई डिजर्व करते हो, पर मैं इस तरीके की नहीं हूं, मेरे इंटरेस्ट तुम्हारे इंटरेस्ट में मैच नहीं करते, और इसमें गलती मेरी ही है, तुम्हारी गलती नहीं है, ऐसे बोल देना कि तुम तो अपनी तरफ से बेस्ट हो, लेकिन मैं नहीं दे पाई क्योंकि मेरा जो है वो मिसमैच हो रहा है,
ये मिसमैच हो रहा है। यहां पे प्रॉब्लम क्या है ना, लोग वो नेटफ्लिक्स देख, क्या मिसमैच करके एक नेटफ्लिक्स सीरीज आई थी वो देख के बैठे हुए हैं, उनको लगता है मिसमैच होगा तो अच्छा। नहीं, ऐसा नहीं है, जो फंडामेंटल डिजायर्स होते हैं अगर वो सेम नहीं है ना तो थोड़ा इशू हो जाते हैं। तो आप धीरे धीरे फेड आउट करो और उसको सब कुछ कन्फेस कर दो, चीजों को स्ट्रेट फॉरवर्ड रखो। लड़कों से जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड रहोगी ना उतना लड़के तुमसे नफरत कम करेंगे। तुम दिखाओगी कुछ और रहोगी कुछ और, वो एक प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि पीछे आदमी फितूर लगाता रहता है कि यार ये ऐसा बोल रही है पर ये ऐसे होगी ऐसे होगी। आप सीधा बोल दो उससे, आप उससे सीधा बोल दो कि मेरे इंटरेस्ट तुमसे मैच नहीं करते हैं, मेरी जो प्रायोरिटीज है वो अलग है, मुझे अभी शादी नहीं करनी। आप सीधा बोल के रखो ना कि 2-3-4 साल सोच के चलेंगे। लड़के पूछते शादी करेगी, हाँ देखेंगे कर लेंगे, फिर जब रिलेशनशिप में आ जाता है लड़का प्यार करने लगता है, अटैच हो जाता है, बिबराहा हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो लड़की कहती नहीं अब शादी नहीं करनी। अरे घोंचू हो क्या, जब पहले दिन लड़का कह रहा है आपसे, पूछ रहा है शादी करोगी कि नहीं करोगी, तो क्यों नहीं बोलती हो तुम? बोल दो कि मैं 3-4 साल सोच के चल रही हूं। नहीं नहीं, उसमें मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अच्छा, जब वो आपसे प्यार करेगा आपको गाली देगा तब बेइज्जती नहीं होगी? जब वो आपसे प्यार करेगा आपको छोड़ के जाएगा और गाली देगा और अपने दोस्तों में बुराइयां करेगा तब आपकी बेइज्जती नहीं होगी? तो क्या सही है, कौन सी बेइज्जती सही है? बेइज्जती तो होनी होनी, आप कमिटमेंट तोड़ोगे बेइज्जती होनी होनी है। मेरे ऊपर कुछ ना सवाल उठे, मेरे ऊपर उंगलियां ना उठे, मेरे ऊपर गलत साबित ना हो कोई, ऐसे कांड करके बैठोगे तो गलत साबित होगा ही होगा। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो, शुरू से क्लियर रखो, मुझे 2-3 साल तक सोच रही हूं, मैं ऐसा सोच रही हूं, अगर मुझे सच में अच्छा लगा तो मैं कर लूंगी, नहीं हो तो नहीं लूंगी। अच्छा ठीक है, मेरे घर में कास्ट इश्यूज है, लड़कों को क्यों नहीं बताती आप लोग? लड़कों को आप लोग क्यों नहीं बताते हो कि कास्ट इश्यूज है मेरे घर में? आप पंडित हो, ब्राह्मण हो, वो राजपूत है, अब वो शादी नहीं होगी तो बताते क्यों नहीं हो पहले दूसरे दिन से? वो जब पगला जाएगा आपके पास, देखो भाई लड़के पागल होते हैं, इनको मिलता नहीं है, ये ऐसा हो गया कि आपको रोज रसगुल्ला मिल रहा है, इनको साल में एक बार रसगुल्ला मिलता है, इनको रसगुल्ला मिलता ही नहीं है, रसगुल्ले के दर्शन ही नहीं हुए, आप एक रसगुल्ले हो, आपके पास लाइन लगी हुई है, इनके पास नहीं लगी हुई है, ये बेचारे डेस्परेट अकेले बैठे रहते हैं, पागल हो चुके हैं ये लोग। इनसे थोड़ा बच के कमिट करो, मैं बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है, मैं ये भी समझता हूं लड़कियों का व्यक्तित्व कैसा होता है और मैं ये भी समझता हूं लड़कों का व्यक्तित्व कैसा होता है। लड़कियां क्या है, लड़कियों के लिए इमोशन कंट्रोल करना एक बहुत ही बाएं हाथ का खेल है। लड़कियां 2 मिनट में इमोशन कंट्रोल करती, 2 मिनट में रोना धोना ये सब उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लड़कियों के लिए लड़का रोएगा, अरे यार मैं रो दिया यार, 5 साल से नहीं रोया, लास्ट टाइम लड़के रोते हैं बचपन में जब चोट लगती है, उसके बाद सीधा रोते हैं जब प्यार करते हैं, सोचो 10 साल का गैप है। आखिरी बार जो लड़का रोया होगा ना वो कहीं बचपन में गिरा होगा तो रोया होगा। उसके बाद वो आदमी पता है कब रोता है, जब उसको कोई लड़की छोड़ के चली जाती है, 10-10, 20-20 साल के गैप हो जाते हैं, लड़के रोते नहीं है। आप कब रोई लास्ट टाइम? अभी 3 दिन पहले मम्मी ने आपको कुछ बोल दिया होगा, उसमें आपके ईगो को लग गया, आप रो दी। आपके पापा ने कुछ बोल दिया होगा, आप रो दी। आपको रोने में टाइम थोड़ी लगता है, अरे रोना पेशाब करने की तरह है, 2 मिनट में पेशाब किया। यहां भैया कुछ नहीं है, यहां 20-20 साल निकल जाते लड़के रोते नहीं, उनके लिए रोना एक बहुत बड़ी चीज है। वो इतना भयंकर आपसे अटैच हो जाएंगे कि जैसे एक भूत होता है वैसे पोजेस कर लेंगे आपको, भूत प्रेत की तरह। इनको भूत प्रेत से कम मत समझो, ये भूत प्रेत हैं, ये भूत प्रेत जो हैं इनको पालो मत। ये रसगुल्ले देखे नहीं इन्होंने, रसगुल्ले 20-20 साल हो जाते हैं रसगुल्ले नहीं देख पाते। इनके पास एक लड़की इंस्टाग्राम पे आईडी रिप्लाई कर देती है, इनको रात में नींद नहीं आती। इंस्टाग्राम पे एक रिप्लाई आ जाए, इनको नींद नहीं आती रात में, ये पागल हो चुके हैं सब। एक लड़की हल्का सा देख क्या ले सड़क पे, अपने दोस्तों को जाकर बताएंगे, भाई उसने मेरे को देखा, उसने मेरे को देखा। लड़कियों के लिए रोज है, जैसे ही वो बाहर निकलती 10 लोग देखते हैं, ठीक है। यहां एक लड़की ने देख लिया पूरे ग्रुप में बता देंगे
कि भाई उसने मेरे को देखा, उसने ग्रुप में देखा, उसने देखा, उनको मिलता ही नहीं है। अरे भैया वो प्यासा है और आप पानी हो, वो प्यासा है और आप पानी हो, और आप पानी हो। पानी को क्या प्यास लगती है? पानी को कभी प्यास लगेगी? नहीं लगेगी। हाँ, पानी को किसी और चीज की प्यास लग सकती है, लेकिन पानी की तो नहीं लगेगी, 100% पानी की नहीं लगेगी। ये प्यासे मगरमच्छों से अपने आप को बचा के रखो। आप अपनी कमिटमेंट रखो, अपने आप को क्लियर करो, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा लड़का चाहिए, ये होगा तो होगा, ठीक, खत्म। अपनी लोनलीनेस से बाहर आओ। आपकी लोनलीनेस है वो आपकी प्रॉब्लम है, आपको कोई हक नहीं है किसी और की लोनलीनेस का भंग करने का। वो अच्छा खासा अकेला था, अब उसको आपसे अटैचमेंट हो गया, दो प्रॉब्लम हो गई उसके पास, एक है अकेलापन, एक है आपसे अटैचमेंट, दो प्रॉब्लम हो गई आपको। और आप कह रहे हो नहीं, उसके अंदर ये क्वालिटीज हैं, मेरे से सच्चा प्यार करता है, मेरे से ये करता है, भाई वो पॉजिटिव साइड है उसकी। आप कह रहे हो कि मैं उसके साथ स्टैंड नहीं कर सकती, वो बोलता रहता है, आपकी जो प्रायोरिटीज हैं वो सेट नहीं है, जो जो आपको पसंद है वो चीजें उसमें नहीं है, लेकिन जो जो होनी चाहिए वो चीजें हैं। ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। वो लड़का आपसे ओवर शेयर करता है, ओवर पोजेसिव है, ओवर टॉकिंग है और कंट्रोल है, पोजेसिव है, धमकियां दे रहा है, ठीक है, ये सब चीजें हैं, आपको ये सब नहीं चाहिए, आपको कुछ और चाहिए था, तो आप वो देख के फिर किसी से शादी करो या जो भी है अफेयर चलाओ। आपको किसने बोला कि आप ऐसे? भाई देखो, मैं सिंपल सा बताता हूँ, जब आदमी डेस्परेट होता है ना, तो आदमी किसी को भी बुला लेता अपने अंदर, वो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज के मजे के लिए आपने एक बहुत भयंकर लकड़ी पाल ली। आज तो आपको मजा मिल जाएगा, लेकिन दो दिन बाद, महीने भर बाद, दो महीने बाद आपकी जो हालत होगी वो हालत इतनी खतरनाक होगी कि आप कहोगे यार मैं क्यों पड़ गई इसमें, ये तो बहुत ज्यादा इंटेंस है, रैदर देन जो अभी आपकी लोनलीनेस की इंटेंसिटी है वो उस इंटेंसिटी के बराबर कुछ नहीं है। जो इंटेंसिटी आने वाली है 4 साल बाद या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, जो प्रॉब्लम आने वाली है, तो दोनों को तौलो। आपका माइंड सिर्फ आज आज में सोचता है, माइंड को सुचवाओ कि 4 महीने बाद बात क्या होने वाला है, क्या इसके रिपरकशन है, इसके क्या आउटकम आने वाले हैं, क्या वो रिपरकशन और आउटकम मैं अभी से तौल के देख सकती हूं, क्या अभी जो मेरे अंदर प्रॉब्लम है उसकी इंटेंसिटी भयंकर है या आने वाली जो प्रॉब्लम आने वाली है उसकी इंटेंसिटी भयंकर होने वाली है। दोनों इंटेंसिटी को तौलो, जो भारी है उसको त्याग दो, खत्म हो गया डिसीजन। अब आपको नहीं, मुझे अभी लोनलीनेस लग रहा है, अरे भैया जो लकड़ी आप पाल रहे हो ना आने वाली, वो इस लोनलीनेस के बराबर, यू नो, लोनलीनेस, आपकी लोनलीनेस उसके उस लकड़ी के सामने कुछ नहीं है, तो लकड़ी मत पालो, वो लकड़ी बहुत भयानक लकड़ी आने वाली है आपके पास। ये प्यार में फंस जाते हैं, फिर आपको बहुत कुछ झेकना पड़ेगा कि आदमी परेशान हो जाता है। भाई मेरी बंदी ने मेरे को छोड़ा, मैं आपको 2019 का केस बताता हूँ। मेरी बंदी ने, मैं पुणे में था, उसने साफ साफ बोल दिया मुझे तुमसे रिलेशन नहीं रहना। मैं, उसने ये भी बोला कि अगर तुमको तमाचा मारना मेरे को तमाचा मार लो, लेकिन मैं रिलेशनशिप में तुम्हारे साथ नहीं रह पाती हूँ। उसने ये कभी बोला नहीं कि वो किसी और से अफेयर में आ गई है, लेकिन मुझे हल्का हल्का हिंट था। अब आपके जैसा अगर कोई बॉयफ्रेंड होता या ये जो नॉर्मल लड़के होते हैं, ये क्या करेंगे? धमकियां देने लगेंगे, सुसाइड की, मर्डर की, इसकी उसकी, मैं बर्बाद कर दूंगा, ये कर। मैं वैसा था ही नहीं, मैंने अपनी स्कूटी स्टार्ट करी, मैं सीधा निकल गया। मैंने आखिरी में उसको ये डायलॉग बोला था, मैंने कहा था जिस प्यार भरे नाम से मैं तुम्हें बुलाता था ना, तुम उसके लायक नहीं हो। इतना मैंने उसको बोला, उसको उतने में ही लग गई। सोचो मैं अगर और कुछ बोल देता तो उसको कितनी लगती, ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो वैसे ही थी। लड़कियों में कोई भेद नहीं आएगा, लेकिन मेरे अंदर तो था ना, मेरे अंदर तो डिसेंसी थी ना, मैं तो जेंटलमैन था ना। तो आपको जेंटलमैन तो मिला नहीं है कोई। अगर कोई जेंटलमैन होगा, आप उसका दिल तोड़ोगे, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो सकता है फोन पे आपको 2 गाली दे दे, ठीक है, लेकिन वो सुसाइड की धमकी और मर्डर की धमकी तो नहीं देगा, लौंडे तो गुंडैती तो नहीं करेगा, ठीक है।
तो हर कोई जेंटलमैन नहीं होता है, तो आपको ये सब भी देखना चाहिए कि आप किसी का दिल तोड़ भी रहे हो तो क्या डिसेंसी है। कि चलो ठीक है, आप किसी का बहुत तगड़ा दिल तोड़ रहे, भाई वो गाली तो देगा ही देगा ना, हो सकता है आपके नए बॉयफ्रेंड को गाली दे, ठीक है, हो सकता है अपना हाथ पैर मार ले, ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, मर्डर करवा दूंगा, गुंडे लगवा दिए, सुसाइड करा दी, रेप की धमकी दे, रेप करवा दूंगा तेरा, इस तरीके की भी मैंने सुना है, ऐसा होता है। तो डिसेंसी होनी चाहिए भाई लड़के के अंदर, ठीक है। तो ये सब चीजें देख के होना चाहिए। अब मैं यहां पे आपको सही नहीं बोल रहा हूं, आपको गलत नहीं बोल रहा हूं, आपके बॉयफ्रेंड को सही गलत नहीं बोल रहा हूं, मेरे से उससे कोई मतलब नहीं है। यहां पे ज्यादातर देखा जाए तो गलती आपकी है, आपने पूरी चीजें कैलकुलेट नहीं करी। आपका जो लक्ष्य है और आपके लड़के का जो लक्ष्य है वो दोनों मिसमैच हो रहे हैं, इसलिए इस रिलेशनशिप को जितनी हो सके उतनी जल्दी खत्म कर दो धीरे धीरे, और लकड़ी जो आने वाली है उसको सोच के अभी की लकड़ी ले लो। वो अभी की लकड़ी है लोनलीनेस, उस लकड़ी में अपने आप को घुटा लो। और ऐसी कौन सी लोनलीनेस तुमको लग रही है, सीए कर रहे हो, ठीक है, अच्छी अच्छी तैयारी कर रहे हो, मूवीज देख लो, थोड़े बहुत मेरे पॉडकास्ट सुन लो, कुछ मेडिटेशन कर लो। जो लकड़ी ले रहे हो ना आप, वो लकड़ी अच्छी चीज नहीं है। तो एक आदमी पूरी जिंदगी आपकी बुराई करे, आपको कैसा लगता है? अब देखो मेरी जितनी भी गर्लफ्रेंड आई आज तक, मैंने इस पॉडकास्ट में सिर्फ उनकी बुराइयां ही करी हैं, क्योंकि वो वही डिजर्व करती थी, उनकी कोई अच्छाई है ही नहीं। जितनी भी अच्छाई थी उस पर उन लोगों ने लोटा गिरा दिया। अब मैं उनकी क्या अच्छाई की बात करूं? आप दोनों, जो दोनों मतलब मेरी जितनी भी गर्लफ्रेंड हुई, दो गर्लफ्रेंड्स मेरी जो मेन हुई हैं, दोनों गर्लफ्रेंड किसी और के साथ सो गई। अब उनकी मैं क्या तारीफ करूं? मेरे सामने तुम किसी और के साथ सो रही हो, उनकी मैं क्या, पूरी जिंदगी में बुराई करता रहा और करता रहूंगा, जो उखाड़ पाना उखाड़ लो, ठीक है। तो ऐसे ही आप भी चाहते हो कि आपका भी कोई कुछ करे, क्यों ऐसे काम करती हो तुम लोग? लड़कियों को यह चीज क्यों नहीं समझ में आती कि भाई आपको अगर डेस्परेशन नहीं चाहिए, आपको अगर सीरियसनेस नहीं चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म नहीं चाहिए, टेम्परेरी चाहिए, तो ये सब चीजें पहले से क्लियर रखो। नहीं, आपको प्यार तो चाहिए पर 2-3 साल तक चाहिए, उसके बाद कोई और आपसे प्यार करेगा आके, और फिर ये वाला क्या होगा, अरे इसको हटाओ, बेकार है। आपके लिए आसान है क्योंकि आप 2 मिनट में रो देते हो, लेकिन किसी लड़के को आपको सल्टाना, जो आपसे सीरियस हो रखा है, वो एक बहुत ही बड़े लकड़ी की तरह है, बहुत बड़ा पत्थर आपने ले लिया अपने ऊपर। आप ये देखो कि आप जो सल्टा रहे हो ना, इसके बहुत भयंकर रिपरकशंस होते हैं और होंगे ही, जिस तरीके से आप कांड आप लोग करते हो। ये जो लड़कियां हैं ये इमोशनली डिसीजन लेती हैं, लॉजिकल डिसीजन है ही नहीं। अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, अब इससे बात करना चालू कर दो। अब वो साला इतना खतरनाक डेस्परेट बैठा हुआ है, वो आपसे बात करेगा 4 दिन और आपके बच्चों के नाम सोच लेगा। 4 दिन बात करेगा और 4 बच्चों के नाम सोच लेगा, ये ऐसे ही होता है। तो आप भैया किसी से भी मोहब्बत करो तो ये देख के करो कि सामने वाले की इंटेंसिटी क्या है, सामने वाला बैलाहा तो नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम 98% लड़के बैलाहे मिलेंगे आपको। ये अपने दोस्तों से बातें तो करेंगे कि भाई लड़कियों को सिर्फ बिस्तर पे लेटा लो और कोठे में चलो, यू नो, वैश्यागर्दी कर दो, करो इसको, इसको शराब पिला के इसके साथ संभोग करेंगे, उसके बाद वो प्राइवेट जाके किसी और से प्यार करने लगेंगे। बातें करेंगे दोस्तों के सामने कि मैंने उसको बजा दिया, उसको बजा दी, उसकी ले ली, इसकी ले ली, और पीठ पीछे उनको चाहिए क्या एक प्यार भरी लड़की जो प्यार करे, सो कॉल्ड प्यार। इस दुनिया में प्यार नाम की कोई चीज नहीं होती है, सच्चा प्यार एक बहुत बड़ा इल्यूजन है, ये ट्रांजैक्शन है, प्यार नहीं है। आपने मेरे लिए इतना किया, मैं आपके लिए इतना करूंगी, ये ट्रांजैक्शन है। जिस दिन ट्रांजैक्शन में कमी आई उस दिन लड़ाई झगड़ा चालू, ट्रांजैक्शन ही तो है और क्या है ये भैया, ट्रांजैक्शन ही तो है कि मैंने 10 बार दरवाजा बंद किया, एटलीस्ट तुम 3 बार दरवाजा बंद करो। उस दिन रात में 4 बजे मैं तुम्हारे लिए जगी थी तो अब मेरे को तकलीफ है, तुमको भी 4 बजे तक जगना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ घूमने चली गई, तुम्हारा मन नहीं कर रहा था, मेरा मन नहीं कर रहा था, आज तुम्हारा मन नहीं कर रहा, तुम मेरे साथ घूमने चलो, देखो मैं उस दिन टाइम पे आई थी, तुम भी टाइम पे आओ, यह व्यापार है, यह कोई प्यार व्यार नहीं है।
प्यार में कोई कंडीशन नहीं होती, ये सिर्फ बो है, अटैचमेंट है। प्यार व्यार ठीक है, कह सकते हो कि एक लेवल पे है, बट वो इट्स ऑल अबाउट ट्रांजैक्शंस एट द एंड। आई कैन अंडरस्टैंड दैट इट मस्ट बी हार्ड फॉर यू, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, डोंट टेक द डिसीजन इमोशनली, थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट वॉट ही वॉन्ट्स, थिंक अबाउट वॉट यू, स्पेशली वॉट यू वॉन्ट, एंड इफ द वॉन्ट्स आर मैच्ड देन ओनली गो फॉरवर्ड विद द पर्सन, इफ द इंटरेस्ट इज मैच्ड देन ओनली गो फॉरवर्ड विद द पर्सन, दैट्स इट, सिंपल। पहले से चीजें क्लियर रखो। जब मेरी बंदी अभी मिली थी तो मैंने पूछ लिया था, मैंने कहा यह बताओ, मेरी तुम्हारी कास्ट अलग है, पहले ही दिन पूछा था मैंने, वो भी क्या सोच रही होगी। मैं मिला, मैंने कहा हाँ बताइए बढ़िया क्या चल रहा है, ये करते हो, मैं ये करती हूँ, तुम वो करते हो, ये वॉट एवर, ब्लू कलर, पर्पल कलर, आई लव ब्लू यू लव पर्पल, आई लव शाहरुख यू लव सलमान, वॉट एवर जो भी है। मैंने कहा ये बताओ, सिंपल, तुम्हारी कास्ट ये है, बताओ तुम्हारे घर वाले मानेंगे कि नहीं मानेंगे, सिंपल बोल दिया। जो मुझे चाहिए था, मुझे तो क्लियर था ना, मुझे क्लियर था, अब मुझे क्लियर ये करना कि उसको क्या चाहिए। वो दोनों अगर मैच कर रहे हैं तो करो। उसने बोल दिया सीधा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे घर वाले मान। मैंने कहा ऐसा कोई सिचुएशन तुम्हारे लाइफ में फंसी? हाँ, मेरा एक पुराना बॉयफ्रेंड था, उसके साथ मैं रेडी थी, मेरे घर वाले भी रेडी थे, वो हरियाणा का एक कास्ट है उसका था और मैं ये थी, तो डन, वहां से क्लियर हो गया कि हाँ भाई। फिर मैंने क्लियर किया, मैंने कहा तुमको किसी लड़की से प्यार हो जाए और वो दूसरे डिफरेंट कास्ट का हो तो क्या तुम डिसीजन ले सकते हो? तुम्हारे घर वाले फ्लेक्सिबल हैं? बोलती हाँ फ्लेक्सिबल है, खत्म, गेम ओवर। नहीं, प्यार हो जाएगा तो सब कुछ अपने आप हो जाता है। जब आदमी प्यार करने लगता है ना, तो वो आदमी ना लोहों को भी मोड़ देता है, पूरा पश्चिम से भी निकल आएगा सूरज, और जो मेटल है वो भी मुड़ जाएगा। प्यार में इतनी ताकत होती है कि दिशाएं बदल, अरे घोचू, कुछ प्यार व्यार में ताकत नहीं होती, ताकत सिर्फ लड़की में होती है। वो चाहेगी तो शादी होगी, वो नहीं होगी नहीं होगी, जो करवाना कर लेना, तुम मर्डर की धमकी दो, तुमको जो धमकी देनी दो, लड़की के अंदर इतनी पावर होती है ना, इसकी कोई हद नहीं है। तो लड़का आके पैरों पे गिर जाएगा, प्लीज मेरे शादी कर, प्लीज भगवान, भगवान के पैरों में गिर जाएगा, तांत्रिक के पास जाएगा, कहेगा भैया कुछ ऐसे काला जादू कर दो, वशीकरण, वशीकरण करवा दो यार, कुछ नहीं होने वाला। तो मैं आपसे बस ये बोलना चाहता हूं कि बीइंग अ गर्ल यू आर वेरी पावरफुल, ओके, अ पर्सन हु कैन कंट्रोल इमोशन, उससे ऊपर क्या पावर हो सकती है, ठीक है। तो फीलिंग्स, भावनाएं, अटैचमेंट, ये सब मुझे पता है लड़कियों को लेट आता है, 6-7 महीने लग जाते हैं, लड़कों को 6 दिन लगेगा, आपको 6 महीने लगेगा, मैं इसे बताऊं। तो अब जो आपके आंसर्स थे वो आपको मिल गए हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू, कुछ बुरा लगा हो तो मुझे माफी चाहिए।